मेरी कोशिश है, सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, अगर आग है तो आग निकलनी चाहिए। तो ये शेर भी इसके लिए कहा कि आज जिसको भी देखना होगा, चार दिन के बाद मेरे घर से भी अगले हफ्ते में होली आएगी, कार्यक्रम करने के मामले में, पब्लिक जुटाने के मामले में हमारे हिंदी भाषियों में जो दो चार लोग हैं तो उसमें से एक विश्वनाथ दुबे जी, होली का इनका कार्यक्रम होता है सर, वो पिंपलेश्वर मंदिर के पास हजारों की भीड़ होती है, पैर रखने के लिए जगह नहीं होती, जबकि उसमें हम लोग विजय भाई वगैरह हम लोग 40 साल से उसमें लगातार आते जा रहे हैं। हिंदी भाषी जनता कल्याण परिषद की उन्होंने स्थापना की और होली वाला कार्यक्रम लगातार मैं करता हूँ, 31 साल से कंटिन्यू चल रहा है। इन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 1989 से की, लगातार 20-22 साल से विद्यार्थी गौरव पुरस्कार देते रहे डोंबिवली में, जिसमें हम लोग विजय भाई हर साल रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इन्होंने इसको बीते 4-5 साल से शुरू किया कि साल में 2 बार कैंप लगाना, विश्वकर्मा पूजा हर साल कोले गांव में लगातार करते आ रहे हैं जो कि 20 साल कंटिन्यू है। मैं सबसे अक्सर कहता हूं भाई मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, मुंबई में हुआ है, तो एक दिन हमारी चर्चा हुई थी तो इन्होंने भी कहा कि भैया मैं भी मुंबई का, मेरा फर्क इतना ही, मैं मराठी मीडियम से पढ़ा था, हिंदी मीडियम से पढ़ा है। और अभी राधेश्याम भैया ने कहा कि आप अभी जब खड़े रहेंगे तो आप देखोगे उनके सामने एक झोली हमेशा लगी रहती है, और वो झोली चाहे हम लोग चाहेंगे कि जल्दी उनकी झोली भरे जो उन्होंने मांग रखी है, और तत्कालीन अभी जो मुख्यमंत्री हमारे साथ है उन्होंने वादा किया है। सामाजिक कार्य करते करते कभी कभी विजय भाई जब हमारे अशोक चव्हाण साहब सीएम थे तो विजय भाई बोला करते थे कि चलो हमारे पास तो भाई हमारे सीएम प्रकाश भाई है, कल्याण के लिए कुछ काम है तो प्रकाश भाई को पकड़ लेंगे। तो वैसे हम विश्वनाथ दुबे जी के बारे में कहते हैं भाई अगर हमको कुछ काम एकनाथ शिंदे जी से कराना है तो विश्वनाथ दुबे है। और है ये बात सही है, मैं एक दो बात भी उसके मुख्यमंत्री बनने बाद एक बार गया था विश्वनाथ दुबे जी के साथ में स्टेज पर थे, उन्होंने बोला दुबे जी जरा साथ में खड़े हो जाओ फोटो आपका आ जाए साथ में, तो मुख्यमंत्री को स्टेज से पब्लिकली करने वाला मुझे कोई फोटो वोटो की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ खड़े हो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आप मुझे जान रहे हो ये बड़ी बात है। तो इतना सिंदर साहब की तब देखते रह गए, रात को करीब 10-10:30 बजे के नंदन और मंगले की बात मुझे याद आ गई, बता रहा हूँ। कार्यक्रम के मामले में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, डोंबिवली के सारे ग्रुप यहाँ बैठे हैं, हिंदी भाषी जनता परिषद के ढेर सारे मेंबर्स यहाँ आए हैं जो कि सब साक्षी, मैं अपने शब्दों में कहने के बजाय अभी विजय भाई और चंदू तिवारी उनके बारे में ज्यादा बताएंगे आप लोगों को। और मैं चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर नरेशन सर, चंदू तिवारी, विजय पंडित जी मिलकर आज का उनका सेवा जीवन गौरव सम्मान